दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और साथ ही साथ वीडियो पे कमेंट, लाइक और शेयर भी करें। आपका 22 साल का लड़का हार्वर्ड में एडमिशन मिला है MBA में, 2 साल MBA करके विद फ्लाइंग कलर्स ही पास्ड आउट, ही केम बैक टू योर हाउस, ही गॉट अ वंडरफुल जॉब एंड आफ्टर 2 इयर्स एट द एज ऑफ 26 ही मेट अ कार एक्सीडेंट एंड ही पास्ड अवे। हार्वर्ड में एडमिशन मिला था, वो भगवान की इच्छा थी। 26 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, भगवान की इच्छा। आप ये बोलेंगे कि स्वामी आप साधु हैं, आप तो ये बात आसानी से कर सकते हैं, हम सांसारिक के लिए बहुत कठिन है। लेकिन कठिन है मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये समझदारी रखनी बहुत जरूरी है, वरना यू विल लूज योर लाइफ, फॉरगेट सेलिब्रिटी। हमने देखे कहीं ग्रहस्थ को देखा है, हम परिचय में 5-5, 10-10, 15-15 साल के बाद भी स्टेबल नहीं हुए हैं। उनको आप याद कराओ, आपका रोने लगते हैं 15 साल के बाद। अभी ये मृत्यु लोग है, सबको एक दिन जाना है। सो दैट फेथ इन गॉड इट एक्चुअली स्टेबिलाइजेज यू, दैट फेथ इन गॉड इट एक्चुअली स्टेबिलाइजेज कोई भी परिस्थिति में। तुकाराम थे, भगवान में बहुत श्रद्धा थी, भगवान के बड़े भक्त थे। गांव वालों ने एक बार तैर किया कि तुकाराम का हम ऐसा अपमान करें कि वे गांव छोड़ के चले जाए, क्योंकि गांव में युवाओं को व्यसन मुक्त करते हैं, कहीं लोगों को हम लोग साथ में बैठे जुआ खेलते हैं तो वो निषेध करके सुधार देते हैं, इसलिए गांव को बिगाड़ते हैं तुकाराम। तो सबने तुकाराम को गधे पे बिठाया, उल्टा बिठाया, गधे की पूछ हाथ में दी, ऑल हिज हेयर्स शेवन, और उस पे चूना लगाया और गले में ब्रिंजॉल का एक हार डाला और गांव में घुमाया। तुकाराम की पत्नी इतनी डिप्रेस हो गई, देखा कि मेरे पति का ये अपमान, उन्होंने तो ये सोच लिया कि मैं सुसाइड कर लूं। पूरे गांव में घूमकर जब तुकाराम वापस घर आए, गधे पे से उतरे, हंसते मुंह घर में अंदर आए और उनकी उनके पत्नी ने कहा कि क्या ऐसा अपमान, हमको गांव छोड़ के जाना है, मैं तो समझती हूं मैं सुसाइड कर लूं। तुकाराम ने कहा उसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। उनकी पत्नी ने कहा क्या सब कुछ तो गलत हुआ है। तुकाराम ने कहा देखो, जब हमारी शादी हुई थी तब बारात नहीं निकली थी, प्रोसेशन नहीं निकला था, आज निकला। सी द पॉजिटिविटी। I was talking of this example to like about 1000 professionals at the Hyderabad Management Association. I told them that in a balance, if you put all the works of modern day research, all the books on positivity, positive thinking, written by modern day authors and thinkers on one pan of the balance, aur dusre pan mein sirf ye Tukaram ka prasang rakho, wo jhuk jayega। इतनी ताकत है ये प्रसंग में। तो तुकाराम ने कहा कि जब शादी हुई थी तब बारात नहीं निकली थी, हम लोग बहुत गरीब थे, ऐसे ही शादी कर ली थी, तो आज गांव वालों ने इकट्ठे होके बारात निकाली, प्रोसेशन। तू इसको गधा देखती है, मैं तो घोड़ा देखता हूं। शानदार, पूरा गांव NFOC, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात, हम गरीब हैं, 6 महीने से बाल कटवाए नहीं थे, पैसे नहीं थे, इन्होंने कटवा दिए और ऐसे काटे, अब 6 महीने तक चिंता नहीं, पूरा शेव कर दिया। फिर उन्होंने यहां चूना लगाया था, अच्छा है, डेंड्रफ नहीं होगा, एंटीसेप्टिक हो गया, और ये बैंगन का हार पहनाया है, ये निकाल। 1 वीक तक, पिछले 7 दिन से हमने कुछ वेजिटेबल नहीं खाया, अब ये 7 दिन तक हमारा दोनों के लिए चला। दरवाजा बंद कर, आनंद कर, पका रसोई, खाएंगे सो जाएंगे। दिस कम्स बाय फेथ इन गॉड। तुकाराम को ये भगवान में श्रद्धा थी कि जो कुछ भी बन रहा है उसमें अच्छा ही सोचना, क्योंकि बुरा सोचने के लिए टाइम नहीं है। This is 70 or 80 year innings. I tell you, life is too short.
In life, when you don't have time for love, I don't know why people are finding so much time for hatred. प्रेम करने का समय जीवन में कम है तो घृणा करने का समय लोग कहां से निकाल देते हैं वो पता नहीं है। तो तुकाराम ने ये भगवान में श्रद्धा रखी कि जो कुछ भी बन रहा है भगवान की इच्छा से बन रहा है, तो पूर्ण श्रद्धा रही और जीवन में शांति रही। तो ये भगवान को रोज प्रार्थना करना अपनी स्थिरता के लिए और अपने संबंधी जन मित्रों के लिए भी, उनका भी अच्छा हो। हमारे गुरु योगी जी महाराज बोलते हैं भगवान सबका भला करे। क्रेडिट ले लो, रॉयल्टी ले लो पुण्य की। और वैसे भी आप किसी का बुरा इच्छोगे, उसका तो बुरा जब होगा ना होगा वो अलग बात है। यू आर स्पॉइलिंग योर इंटरनल एटमोस्फियर, यस और नो? किसी का बुरा सोचने से यू आर एक्चुअली स्पॉइलिंग योर इंटरनल एटमोस्फियर। जहां हेवन क्रिएट करना है वहां आप हेल क्रिएट कर रहे हो, है कि नहीं? दिस इज सेलिब्रेटिंग योर एग्जिस्टेंस। सो ये थोड़ी बातें हैं, अगेन जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट, एक सपना लिखना, एक ड्रीम क्रिएट करना, पुट योर परसिवियरेंस, पुट योर एनर्जी इन टू इट। थर्ड थिंग इज टेक केयर ऑफ योर टाइम, अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, स्पेंड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम विथ योर फैमिली, देन लिव अ लाइफ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस with proper kind of attitudes, take everything positive in your life, whatever happens in my life happens for my good, happens for my progress, anything happening in my life is always for my good, take it that attitude in your life and put a mindset, if even forcibly, put it forcibly in your mind that everything is happening for my good and for my progress, and ultimately God is my creator, is my father, He is my destiny creator. Whatever He has destined in my life is for my good. It is His blessings. Let things happen. 10% impact of things happening, 90% of it is how you take it. जो भी प्रसंग जीवन में बना, स्थिरता से accept करना। Acceptance of everything is a big stress reliever in life. Acceptance of everything is a big stress reliever. So, ये थोड़े विचार जीवन में साथ में रखेंगे, बार बार दृढ़ता करेंगे, you will be able to celebrate your existence.